भागलपुर के ततालपुर थाना क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद लगातार जमींदोज हुए घर का मलबा हटाया जा रहा है। अब तक दर्जनों लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। 12 लोगों की मौत की अब तक खबर है। वहीं मलबे के नीचे से भारी मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है। बारूद को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी फिर से एसएसपी बाबूराम घटनास्थल पर पहुंचे और सभी मृतकों की जानकारी ली। बाबूराम ने कहा कि 8 मृतकों की पुष्टि हुई है। 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे, उसमें से ही पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है। कुछ पटाखे बनाने के भी सामान बरामद हुए हैं। इस मामले में जो भी दोषी है कार्रवाई होगी। बता दें कल रात के 11:35 पर काजबली चक में एक घर में भयानक विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 मंजिला इमारत समेत 3 घर जमींदोज हो गए थे, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 11 लोग घायल हैं। दूसरा आराम से पकड़िए आराम से बाबू आइए थोड़ा ताजा हालात क्या है सर? अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 11 लोग घायल हैं। कुछ लोगों को मामूली घायल हैं, कुछ लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और पूरा मलबा हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है और भी कोई डेड बॉडी हो सकती है। भारी संख्या में जो है बारूद मिला है सूर्य, अभी तक की जो सूचना मिली है यहाँ पर 3 परिवार भारी मात्रा में 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे, उसी में से एक घर में लगता है कल रात में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसके चलते आसपास की सभी बिल्डिंगें गिर गई हैं और मलबे में दबने के कारण यहाँ घायल और मृतकों की संख्या बढ़ी है। सर किसके घर में ब्लास्ट हुआ है सर? ये बताया जा रहा है कि पीछे में लीलावती देवी मसमात हैं, उनका परिवार रहता था जो पटाखा बनाने के काम में लगी हुई थी और उस घर से कुछ पटाखा बनाने के अवशेष मिले भी हैं और आजू बाजू में लोगों की मृत्यु हुई है और घायल हुए। सर जिस तरह से धमाका जोरदार है, इसी में पटाखा के बारूद पर सर कहीं ना कहीं शक हो रहा है? ये FSL की टीम आई हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी आई हुई है। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद से फाइनली निष्कर्ष के रूप में कुछ कहा जा सकता है। जब लाइसेंस नहीं था सर तो इतनी मतलब 6 लाइसेंस कभी जो है इन लोगों को निर्गत किया गया था, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जो है शहर के बीचों बीच जो है इस तरह से पटाखा, इस बात की भी जाँच की जा रही है कि आखिर किस स्थिति में यहाँ पर पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और स्थानीय पुलिस ने इसमें क्या अपने ड्यूटी की और क्या नहीं। सर इसमें घायल के परिजन जो कि अस्पताल में है वो कह रहे हैं कि इसकी सूचना जो है पटाखा बनाने की सूचना जो है पुलिस को कई दफ़ा दी गई थी, पुलिस कार्रवाई नहीं की। इसमें जो भी दोषी है जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।